नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। बिलासपुर में रोजगार मेले के सफल आयोजन के बाद समाज सेवी हरीश नड्डा द्वारा स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम कुठेड़ा से शुरुआत की गई। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया स्लोगन को साकार करने के मकसद से आयोजित स्पोर्ट्स किट वितरण का पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठेड़ा मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के 101 बूथों में कुल 110 स्पोर्ट्स किट वितरित की गई। वहीं युवा सम्मेलन कार्यक्रम से पूर्व बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठेड़ा के खेल मैदान की क्षतिग्रस्त चार दीवारी का 5 लाख की लागत से पुनर्निर्माण का भूमि पूजन किया। उत्साह और खुशी देखी गई है, वो आने वाले दिनों में या बीजेपी की सरकार के समर्थन करने के लिए, डेवलपमेंट के समर्थन करने के लिए उनसे या सारी चीज़ें उनसे या प्रगति हो रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का कार्यक्रम चेतना संस्था और युवा मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेलों के प्रति कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए हरीश नड्डा जी ने जितने हमारे सदर के बूथ हैं प्रत्येक बूथ पर युवाओं को एक स्पोर्ट्स किट बांटकर, ताकि युवा खेल के प्रति सजग रहें, अपना सर्वांगीण विकास करें। खेलों के माध्यम से हम सब जानते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है। जब एक बार युवाओं को नशे की लत से बाहर कैसे करना, उनके लिए कोई ना कोई माध्यम देना पड़ता है। तो इसलिए आज का यह जो कार्यक्रम है युवाओं को मोटिवेशन का है, उनकी मोटिवेशनल आज के इस कार्यक्रम से जो मोटिवेशनल पावर बढ़ेगी, उससे युवा निश्चित रूप से खेलों के प्रति आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलों के प्रति बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बिलासपुर का विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा, जब युवा राइट डायरेक्शन में, राइट समय पर आगे बढ़ेगा।